हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पार्सल भाई मिश्रा में। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक बार फिर से नया वीडियो, जो कि आज वीडियो होने वाला है LNI PMPED 2020 का क्वेश्चन पेपर। तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं, नेम द फाउंडर ऑफ एशियन गेम्स। इसका जो सही उत्तर है वो आपका है प्रोफेसर GD सोंधी, यानी चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पे आपके टोटल 100 क्वेश्चन हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ेंगे। मोस्ट मेजर सिस्टम ऑफ जिमनास्टिक्स हैड देयर ओरिजिन फ्रॉम विच कंट्री। दूसरा का जो करेक्ट आंसर वो है फोर, स्कैंडिनेविया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, हु फॉर्मुलेटेड द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो सही उत्तर है वो आपका है फोर, यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट है फोर, व्हेन वाज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ए, यानी 91-92। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विच एजुकेशनल पर्सनालिटी सेड एजुकेशन थ्रू प्ले, मतलब किस पर्सनालिटी ने कहा था कि एजुकेशन थ्रू प्ले। क्वेश्चन नंबर फाइव का जो सही उत्तर है वो आपका थ्री, यानी फ्रोवेल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डैश इज ऑफन रेफर्स टू एज द फादर ऑफ रियलिज्म। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो सही उत्तर है वो आपका अरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, इन एंशिएंट ग्रीस ए बॉय एट द एज ऑफ सेवन वॉज रिक्वायर्ड टू द ज्वाइन द पब्लिक बैरक वेयर ही इंटर ए सिस्टम ऑफ पब्लिक कंपल्सरी ट्रेनिंग, इट वॉज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर सेवन का जो सही उत्तर है वो है ए, यानी एगोग। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एट, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर एट का जो सही उत्तर है वो है आपका दूसरा, यानी श्री दोराबजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, साइको एनालिटिक थ्योरी हैज बीन ओरिजिनेटेड बाय। क्वेश्चन नंबर नाइन का जो करेक्ट उत्तर है वो आपका फ्रॉड, यानी सिग्मंड फ्रॉड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर टेन, रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स इन द डाइट ऑफ एन एवरेज इंडिविजुअल शुड बी। क्वेश्चन नंबर टेन का जो सही उत्तर है वो आपका 4:1:1, यानी करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर इलेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड कीपिंग द बॉडी हेल्दी। क्वेश्चन नंबर इलेवन का जो सही उत्तर है वो आपका फोर, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। 12, विच हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। करेक्ट आंसर इज ए, हेपेटाइटिस ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच कम्युनिकेबल डिजीज इज आल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है करेक्ट आंसर इज फोर, यानी लेप्रोसी। क्वेश्चन नंबर 14, विच न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मुलेशन अब हार्मोन्स एंजाइम्स एंड हीमोग्लोबिन। करेक्ट आंसर इज सी, यानी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लेंगे यहाँ पे 15, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ ऑफ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का जो प्रिंसिपल इसमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच विटामिन हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ मसल्स क्रैम्प। करेक्ट आंसर इज फोर, विटामिन ई। 17, व्हाट इज हर्ट अर्थमिया। क्वेश्चन नंबर 17 का व्हाट इज द हर्ट अर्थमिया। करेक्ट आंसर इज थ्री, यानी इरेगुलर हार्ट बीट। क्वेश्चन नंबर 18,
विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज डायग्नोज बाय द यूजिंग द टेक्निक ऑफ एंगियोग्राफी। 18 का जो करेक्ट आंसर है आपका ब्लड वेसल्स डिसऑर्डर। 19 नेम फॉर द न्यू कोरोना वायरस डिजीज COVID-19 वाज अनाउंस बाय WHO ऑन। 19 का जो सही उत्तर है वो आपका 4 यानी 11 फरवरी 2020। नेक्स्ट है आपका 20, विच आर द फॉलोइंग आर फैट सोलबल विटामिन। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है आपका ए डी ई के। नेक्स्ट है आपका 21 का फुल फॉर्म ऑफ HDL इज। इसका जो सही उत्तर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 22, ए वर्क इन विच द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट द बॉडी कैन सप्लाई इज लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क इज नोन एज। 22 का जो करेक्ट उत्तर है आपका एनारोबिक वर्क। 23, द एरिया लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर कंटेनिंग बोथ एक्शन एंड मायोसिन इज कॉल्ड। 23 का जो सही उत्तर है आपका ए बैंड यानी 3। नेक्स्ट 24, अकॉर्डिंग टू कूपर 1968 वैल्यू ऑफ 12 मिनट रन टेस्ट इज कन्वर्टेड टू VO2 मैक्स बाय। 24 का जो सही उत्तर है वो आपका ए। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे 25। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार LNIP BPED और MPED का जो एग्ज़ाम हुआ है वो पहली बार ऑनलाइन हुआ है, तो इस बार का जो 23 को एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। 25, फाइंड द करेंट सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कंट्रक्शन। 25 का जो सही उत्तर है आपका सेकंड वाला है। 26, माइटोकॉन्ड्रिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इस सेल रेस्पिरेशन एंड। 26 करेक्ट उत्तर ए मेटाबॉलिज्म फंक्शन। 27, विच आर द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड बीट। 27 का जो सही उत्तर है आपका थर्ड यानी एस ए यानी सानोबल, ये आपका आंसर होगा थर्ड एस ए नोट। 28, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रेस्टिंग पोटेंशियल टू एक्शन पोटेंशियल इज नोन एज। 28 का जो सही उत्तर है आपका सी यानी डीप पोलराइजेशन। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है छोटा छोटा क्वेश्चन से बट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया हुआ है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी तरह से। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था थोड़ा लेंदी था, इस बार छोटा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सटीक क्वेश्चन दिया गया है और इस बार का हो सकता है मेरिट भी हाई जाए। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 29, रेस्पिरेशन इज ए रिफ्लेक्स एक्टिविटी एंड कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। 29 का जो सही उत्तर है आपका थर्ड यानी मेडुला ऑब्लोगांटा एंड पोन्स। क्वेश्चन नंबर 30, डैश अकर्स व्हेन बॉडी सेल्स आर अनेबल टू यूज ऑक्सीजन एंड इवन थ्रू एडेक्वेट अमाउंट आर डिलीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर है आपका ए हिस्टोनिक हाइपोक्सिया। क्वेश्चन नंबर थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन हमको कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर अब लेते हैं हम 31, बॉयज टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 31 करेक्ट आंसर इज बी यानी हाइपोथैलमस। एस ए नोड इज लोकेटेड इन। 32
का जो सही उत्तर है वो आपका फोर यानी अपर लेटरल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। 33 इन आवर बॉडी इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही उत्तर है आपका ए यानी मेडुला इन हैंड हिंड ब्रेन। नेक्स्ट है आपका 34 द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग लाइज इन। 34 का जो सही उत्तर है आपका बी यानी प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक। 35 विच ऑफ द पेयर इज इनकरेक्ट। सही उत्तर इस प्रॉब्लम मेथड डाल्टन। अगला है 36 विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द रिलेशन टू द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड। करेक्ट आंसर इज ए सिलेक्शन शुड बी अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ द टीचर। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस प्रोसीजर। 37 का सही उत्तर आपका ए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज प्रेजेंट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। 38 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी यानी ऑब्जर्वेशन। 39 इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट वेयर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम आर 11 इन विच टू टीम आर सीडेड बाय सीडेड देन हाउ मेनी बाइस आर गिवन। 39 करेक्ट आंसर इज बी यानी 7। नेक्स्ट 40 इन डबल लीग टूर्नामेंट व्हेन टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम आर 9 एंड टोटल नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड आर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी यानी 72 मैचेस। इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर इम्फासिस इज ऑन। 41 का करेक्ट आंसर इज 4 टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन। 42 व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। 42 करेक्ट आंसर इज बी इंटीग्रेट। 43 इज द इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज डेवलप्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। 43 करेक्ट आंसर इज ए एनसीईआरटी। 44 द शॉर्टिंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग टर्म एंड फिटिंग देन इन द फिक्सर इज नोन एज। 44 करेक्ट आंसर इज 3 सीडी। हु बाय एक्सीडेंट डिस्कवर एंड डिस्क्राइब फर्स्ट द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। 45 करेक्ट आंसर इज सी इवान पाब्लो। नेक्स्ट 46 द कोज ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन अमॉन्ग द स्पोर्ट्स पर्सन इज। करेक्ट आंसर इज 4 नॉर्मली ड्यू टू द मिसमैच डेवलप एस्पिरेशन एंड एबिलिटी। 47 द फॉलोइंग आर सम ऑफ द साइकोलॉजिकल अप्रोचेस एडॉप्टेड बाई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट फॉर सर्विस डिलीवरी। 47 करेक्ट आंसर इज सी। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट टू डू विथ मोटिवेशन सिस्टम। 48 करेक्ट आंसर इज सी हैबिट। 49 व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ड्राइव थ्योरी इन मोटिवेशन साइकोलॉजी। 49 करेक्ट आंसर इज अराउजल। 50 द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड टू लर्न रेडिली फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। 50 करेक्ट आंसर इज बी इंटेलिजेंस। 51 इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर कॉमनली फाउंड इन। सही उत्तर इज बी यानी कॉग्निटिव सिचुएशन। 52 लेटर
चाइल्डहुड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज डैश एज 52 सही उत्तर इज 4 गैंगेस। 53 डैश इज नॉट द पार्ट ऑफ लर्निंग कर्व सही उत्तर इज बी यानी टर्मिनल पॉइंट। 54 इन आवर साइंटिस्ट सॉरी इन आवर सोसाइटीज ऑफ द हेड बिलीव्स कस्टम्स एंड एटीट्यूड्स आर द लर्न थ्रू 54 सर करेक्ट आंसर इज ए ऑपरेट कंडीशनिंग। 55 फाइब्रस जॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड करेक्ट आंसर इज ए साइनोथ्रोसिस जॉइंट। नेक्स्ट है आपका 56 द वर्टिब्रल सैक्रम एंड द कॉक्सिस बोन्स आर एग्जांपल ऑफ 56 सही उत्तर सी इरेगुलर बोन। नेक्स्ट 57 नी जॉइंट्स इज फॉर्म विद द फॉलोइंग बोन्स सही उत्तर थर्ड फीमर टीबिया एंड फिबुला। 58 स्टेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज डिटरमाइंड बाय 58 करेक्ट आंसर इज 4 ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। 59 मोस्ट मसल्स ऑफ दैट मूव द हिप जॉइंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द 59 करेक्ट आंसर इज सी पेल्विस। 60 इन ह्यूमन बॉडी विच टाइप ऑफ लीवर गिव द मैकेनिकल एडवांटेज टू एथलीट क्वेश्चन नंबर 60 करेक्ट आंसर इज बी सेकंड क्लॉज। 61 ग्लूटियस मैक्सिमस इज नोन एज करेक्ट आंसर इज ए हिप एक्सटेंसर। 62 यहाँ पे क्वेश्चन 100 है तो थोड़ा टाइम लगेगा भाई 62 बट क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं इस बार एग्जाम में। 62 फ्रिक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय करेक्ट आंसर इज ए साइज ऑफ बेस ऑन बेस ऑफ सपोर्ट। रेसिप्रोकल इनर्वेशन मींस मोटर न्यूरॉन्स 63 करेक्ट आंसर इज ए ट्रांसमिटिंग इंपल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एगोनिस्ट एंड रिलैक्स एंटागोनिस्ट। 64 विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज सुटेबल इन अर्ली फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन 64 सही उत्तर इज 4 आइसोमेट्रिक। 55 हंचबैक इज आल्सो नोन एज करेक्ट आंसर इज 4 काइफोसिस। स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड वेरी इजी क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 66 स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड इसका जो सही उत्तर है आपका एंड थर्ड यानी मायोलॉजी। नेक्स्ट है द मोड 12 17 16 14 13 16 14 इस यहाँ पे एक लॉजिकल क्वेश्चन दिया गया रीजनिंग टाइप का ठीक है। अगला क्या आएगा यहाँ पे 67 का जो सही उत्तर है आपका थर्ड यानी 14 एंड 16 इसका जो सही उत्तर है आपका डी है 14 एंड 16 आएगा। नेक्स्ट है 68 द इवोल्यूशन विच इज़ द अंडरटेकन ड्यूरिंग द कोर्सेस ऑफ द ट्रेनिंग इज कॉल्ड 68 सही उत्तर इज 3 यानी फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। 69 नेम द टेस्ट टू डिटरमाइन द कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी 69 करेक्ट आंसर इज बी कूपर टेस्ट। नेक्स्ट है आपका 70 ए रिसर्चर सेलेक्ट ए प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ द 100 आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज 70 करेक्ट आंसर इज बी रैंडम सैंपल। 71 व्हेन द पॉपुलेशन कंसिस्ट टू हेट्रोजेनिटी विच सैंपलिंग प्रोसीजर इज प्रिफर्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रिसर्च से आए हुए हैं जो एमपेड के लेवल के हैं क्वेश्चन नंबर एमपेड का एग्जाम ही तो एमपेड के लेवल की आएगा भाई
नेक्स्ट है 71 का जो सही उत्तर है आपका वो है फर्स्ट यानी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट है आपका 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोटर फिटनेस टेस्ट। करेक्ट आंसर इज ए यानी JCR। नेक्स्ट है आपका 73 असेसमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज डन विद द हेल्प ऑफ। सही उत्तर इज ए सॉरी सी गाइनोमेट्री। नेक्स्ट 74 अकॉर्डिंग टू द परसेंटाइल द मेडियन टू द मेजर्स मसल्स लाई ऑन। 74 सही उत्तर इज सेकेंड फिफ्थ 50 ठीक है। नेक्स्ट है आपका 75 रिलायबिलिटी मीन्स 75 करेक्ट आंसर इज ए कंसिस्टेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट 76 द मिडिल वैल्यू ऑफ द ऑर्डर्ड सीरीज इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर इज 4 ऑल ऑफ देम। 77 नेम द टाइटल ऑफ बुक रिटन बाय द पेरी एल जॉनसन एंड चेक एंड नेल्सन। 77 का करेक्ट आंसर इज क्रिटिकल मेजरमेंट ऑफ द इवोल्यूशन इन फिजिकल एजुकेशन। ये इनके द्वारा लिखी गई बुक है टेस्ट मेजरमेंट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है ये आपके LNRC की लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी। अगर आपका एडमिशन होता है तो आप वहाँ पर जाके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 78 मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेट्स ऑब्जेक्टिव नेम द ऑथर ऑफ अबव द स्टेटमेंट। 78 का करेक्ट आंसर है वो आपका बी यानी हेनरी एलिस। 79 डैश इज एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस प्रोसीजर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर टू मेक स्मॉल परचेस। 79 सही उत्तर इज ए पैट्री क्रैश फंड। नेक्स्ट आपका 80 नेम द ऑथर्स ऑफ द फेमस बुक टाइटल द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। 80 का जो सही उत्तर है आपका ए एडवर्ड एफ बल्टिमर। 81 दोस्तों अगर 81 आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या तो अभी भी जस्ट जुड़े हुए हैं नए दर्शक या श्रोता हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाला हर अपडेट आपके लिए अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट है 81 प्लानिंग इज ए मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इट इन्वॉल्व। सही उत्तर इज सी गोल सेटिंग एंड मिशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट 82 ए सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर द मेंटेनेंस इज। 82 का करेक्ट आंसर इज ए प्रॉब्लम कॉज डायग्नोसिस एंड रेक्टिफिकेशन। 83 विच इज द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में पहला स्टेप क्या है वो आपका आंसर इज ए सी यानी प्लानिंग है। नेक्स्ट 84 द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज। करेक्ट आंसर इज ए डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। 85 आफ्टर द गेम इज ओवर इट इज नेसेसरी टू रिटर्न द इक्विपमेंट एंड अदर मटेरियल्स बोरो फ्रॉम अदर्स इज। सही उत्तर इज 3 पोस्ट मैच वर्क। 86 द टू इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट एनालिसिस और। 86 करेक्ट आंसर इज 4 स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। 87 द लास्ट लिंक ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट चेन इज। करेक्ट आंसर इज ए कंट्रोल एंड इवोल्यूशन। 88 लेजर्स फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज रिजर्व ऑफ ऑथराइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स। करेक्ट आंसर इज 3 लेट एलोन। अब हम आगे बढ़ेंगे बस यहाँ पे 10-11 क्वेश्चन बचे हैं। 89 लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर तो बहुत अच्छा है इस बार का।
थोड़ा इजी टाइप का है जो प्रीवियस ईयर की तुलना में आप कंपेरिजन करेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट अच्छे क्वेश्चन हैं। तो 89 है यहाँ पे, बाई ऑल स्ट्रेस ऑफ इमेजिनेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द चर्नड आउट द ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड यूनिवर्सली अप्लीकेबल टू। 89 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 4, ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन अडेट द इन्वॉल्व मैन माइंड एंड मटेरियल्स। नेक्स्ट है आपका 90, द स्पैम ऑफ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुड बी नॉट मोर देन। 90 का जो सही उत्तर है आपका 3rd यानी 4 to 6 weeks। 91, टू अवॉइड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बोर्डम चेंज द मेथड ऑफ ट्रेनिंग सो ए प्लेट टू इज नॉट रिच ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन इट्स रेफर टू द प्रिंसिपल ऑफ। करेक्ट आंसर इज सी, बेरेट वैरायटी। 92, मेन कंसिडरेशन ऑफ इफेक्टिव रेडाइजेशन शुड बी। 92 का जो करेक्ट आंसर है वो बी, अचीवमेंट एट टॉप फ्रॉम। 93, एबिलिटी विच मेंटेन द मैक्सिमम स्पीड इज कॉल्ड। 93 का जो सही उत्तर है आपका सी, यानी लोकोमोटर एबिलिटी। 94, डैश इन्वेंटेड सर्किट ट्रेनिंग, ये क्वेश्चन ज़्यादातर हर बार एग्जाम में आता ही है कि सर्किट ट्रेनिंग किसने इन्वेंट किया था। इसका जो सही उत्तर है आपका ए है, मॉर्गन एंड एडमसन। नेक्स्ट 95, सुपर कंपेंसेशन मींस। 33 का जो करेक्ट आंसर है आपका, सॉरी 33 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 95 है। सुपर कंपोजिशन मींस करेक्ट आंसर इज 3, एडोप्टेशन टू लोड। नेक्स्ट है 96, आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस बाय। 96 का जो करेक्ट आंसर वो आपका है बी, यानी जेजे पेरिन, पिरामिड ट्रेनिंग वाज इन्वेंटेड बाय। 97 का जो सही उत्तर है आपका ए, रशियंस। 98, ए टाइप ऑफ स्ट्रेस ट्रेनिंग मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ वुड बी डैश स्ट्रेचिंग। करेक्ट आंसर इज सी, PNF। नेक्स्ट है आपका लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ द डे। 99, ए रिगार्ड टू प्लास्टिक स्ट्रेचिंग इट इज ट्रू डैट। करेक्ट आंसर इज 4, नॉन ऑफ दिस ट्रू। लास्ट बट नॉट लीस्ट 100, स्किल एक्विजिशन इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन डैश। करेक्ट आंसर इज बी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। तो इस तरह से आप दोस्तों हमारा LNIP MPED 2020 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है, 100 क्वेश्चंस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो बेस्ट ऑफ लक आपके रिजल्ट के लिए, आपका रिजल्ट जल्दी आएगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।